आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश भर में चीनी उत्पादन रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, क्योंकि देश भर में 471 चीनी मिलों ने 15 दिसंबर तक लगभग 75 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन किया है, जो मौजूदा पेराई सत्र के अंत तक 315 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के अनुसार महाराष्ट्र 31,90,000 टन उत्पादन के साथ शीर्ष स्थान पर है। सीजन के अंत तक राज्य में चीनी का उत्पादन 110 लाख टन होने की उम्मीद है, जो कि संकेतों के अनुसार सबसे अधिक होगा। वहीं महाराष्ट्र में 184 चीनी मिलों ने पेराई में हिस्सा लिया है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है, जहां 117 चीनी मिलें पेराई कर रही हैं और उन्होंने अब तक 18,60,000 टन से अधिक चीनी का उत्पादन किया है, जो सीजन के अंत तक 107 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। चीनी उत्पादन में कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, जिसकी 69 चीनी मिलों ने 17,90,000 टन चीनी उत्पादन किया है और सीजन के अंत तक 48 लाख टन का उत्पादन करने की उम्मीद है। वहीं देश भर में 471 चीनी मिलों में कुल 820,73,000 गन्ने की पेराई में से महाराष्ट्र इस सूची में शीर्ष पर है, जहां 15 दिसंबर तक 341,18,000 टन गन्ने की पेराई हो चुकी है। कर्नाटक इसमें दूसरे स्थान पर है, जहां पर 198,89,000 टन गन्ना क्रशिंग किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 197,87,000 टन गन्ने की पेराई पूरी हुई है। शेष चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ना पेराई और चीनी उत्पादन कुछ इस प्रकार है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 23,73,000 टन गन्ना क्रशिंग किया गया है और 2,10,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया है। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 13,58,000 टन गन्ना क्रशिंग किया गया है, जिसको लेकर 1,10,000 टन चीनी का उत्पादन निकला है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 12,57,000 टन गन्ना क्रशिंग किया गया है और 1,15,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ है। वहीं उत्तराखंड में 9,00,000 टन गन्ना क्रशिंग के लिए हुआ है और उसमें 90,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया है, जबकि पंजाब में 6,86,000 टन गन्ना क्रशिंग किया गया है और 60,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 6,25,000 टन गन्ना की क्रशिंग की गई और 50,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया, जबकि तमिलनाडु में 5,88,000 टन गन्ने की क्रशिंग की गई और 50,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। इसी के साथ बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 2,50,000 टन गन्ना की क्रशिंग की गई और 20,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ है, और आंध्र प्रदेश में 1,25,000 टन गन्ने की क्रशिंग हुई तो 10,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ है। वहीं देश में गन्ने की खेती का क्षेत्र अच्छी वर्षा, वैज्ञानिक रूप से उगाए गए गन्ने, उन्नत किस्मों और गारंटीकृत दरों के कारण बढ़ रहा है। अब तक 15 दिसंबर तक देश भर में 471 चीनी मिलों में 820 लाख टन से अधिक गन्ने की पिराई की जा चुकी है, जिसमें चीनी की औसत रिकवरी 9.22% से अधिक है। पिछले साल 15 दिसंबर 2020 तक देश की 458 चीनी मिलों ने 819,57,000 टन गन्ने की पेराई करके 74 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था और चीनी की औसत रिकवरी 9.02% थी, यानी इस साल का रिकॉर्ड पेराई सीजन पिछले साल के सीजन से हर लिहाज से थोड़ा बेहतर है। इस सीजन में औसत चीनी रिकवरी में उत्तराखंड 10% और उत्तर प्रदेश 9.40% और महाराष्ट्र 9.35%, बिहार 9.15% और कर्नाटक 9% के साथ आगे है। इसके बाद गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना का स्थान है। कोविड महामारी में गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील से चीनी उद्योग को अब लाभ हुआ है, जिसमें चीनी की बिक्री और बिक्री की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। दूसरी ओर एथेनॉल का उत्पादन की परियोजनाएं प्रगति पर हैं और 30 नवंबर को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 में देश भर में 275 डिस्टिलरी परियोजनाओं से तेल कंपनियों को रिकॉर्ड 302.30 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की गई है। एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं ने इस साल एथेनॉल आपूर्ति के जरिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड कमाई की है।
राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष का कहना है कि देश भर की चीनी मिलों ने इस साल चीनी निर्यात में सफलता हासिल की है। 2019-20 में 59 लाख टन चीनी का निर्यात करने के बाद वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 72 लाख टन चीनी का सफलता पूर्वक निर्यात किया गया है। वहीं इस वर्ष की पहली तिमाही यानी 3 महीनों में चीनी मिलों ने 35 लाख टन के निर्यात अनुबंध किए हैं, जिसमें लगभग 40% सहकारी मिलों का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।